ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कह रहे हैं वाटर इज पोर्ड इनटू अ कॉनिकल कंटेनर शोन एट अ रेट ऑफ 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वाटर इसके अंदर फिल किया जा रहा है, और किस रेट से फिल हो रहा है, यानी उसका वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज हो रहा है इस फिलिंग से, उसकी वैल्यू हमें 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है। आफ्टर टी सेकेंड्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर वी सेंटीमीटर क्यूब इज गिवन बाय दिस। तो वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, जिसमें हाइट के साथ वॉल्यूम को रिलेट कर दिया इन्होंने, वेयर एच सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। पार्ट ए में हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एच, यानी डी एच अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है व्हेन द वैल्यू ऑफ एच इज 5। और पार्ट बी में कह रहे हैं गिवन दैट द कंटेनर हैज रेडियस 10 एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एच व्हेन कंटेनर इज हाफ फुल। तो हमें अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एच फाइंड करना है व्हेन द कंटेनर इज हाफ फुल। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पार्ट ए पे पहले काम करते हैं। हमें डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है, वॉल्यूम और हाइट को रिलेट करने वाला रिलेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हम डी अपॉन डी एच अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पर। तो डी अपॉन डी एच ऑफ एच क्यूब ये बन जाएगा डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल टू 1/12 पाई, और यहाँ पर 3h² आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि 1/4 पाई h² ये डी वी अपॉन डी एच का आंसर है। एच की जो वैल्यू हमें यूज करनी है वो 5 यूज करनी है, तो हम 1/4 पाई और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, सो 25/4 टाइम्स पाई, ये हमें डी वी अपॉन डी एच मिल गया। अब हम चेन रूल को यूज कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है डी एच अपॉन डी टी। ये हमें मिलेगा जब हम डी एच अपॉन डी वी लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे डी वी अपॉन डी टी से, ताकि डी वी और डी वी कैंसिल हो और डी एच अपॉन डी टी हमें मिल जाए। अब जो हमें आंसर मिला ना डी वी अपॉन डी एच का, उसको हमें रेसिप्रोकेट करके यूज करना होगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/25/4 टाइम्स पाई मल्टीप्लाइड बाय डी वी अपॉन डी टी, हमें क्वेश्चन में गिवन था वो 2 पाई है, तो 2 पाई यहाँ पे लिख देंगे और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर 8/25 मिल जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा। पार्ट बी में अब हमें ये करना है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एच फाइंड करना है जबकि कंटेनर हाफ फुल हो। कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसका रिलेशन हमें गिवन है 1/12 पाई h³। अगर हम एच की जगह इसकी हाइट पुट कर दें, जो कि कंटेनर की हाइट है 20, तो इस पे जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो फुल वॉल्यूम मिलेगा। उस वॉल्यूम को हाफ करने का तरीका ये होगा कि फिर हम 1/2 से भी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह 1/24 और 20 × 20 × 20 ये हमें मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करके हमें 1000/3 पाई ये वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस हाफ वॉल्यूम के अगेंस्ट में हाइट कितनी होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का रिलेशन है 1/2 पाई h³, और 1000 पाई अपॉन 3 ये हाफ वॉल्यूम है। तो अगर हम h³ फाइंड करना चाह रहे हैं तो 1000 पाई अपॉन 3 की तरफ हम 12 को मूव कर देंगे, डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4000। और अब हम एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट कर लेंगे, तो 15.874 सेंटीमीटर्स ये हमें एच की वैल्यू मिल गई इस केस के लिए।
अच्छा, अब इस एच की वैल्यू को हम फर्दर यूज करके बाकी का काम कर लेंगे। तो वॉल्यूम और एच क्यूब का ये रिलेशन है, इसमें हम डीवी अपॉन डीएच फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमें 1/4 टाइम्स पाई एच स्क्वायर मिला था। और अब इसमें हम 1/4 पाई और 15.874 स्क्वायर पुट करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आंसर आएगा 197.9। ये हमें डीवी अपॉन डीएच का आंसर मिल गया। अच्छा, अब डीएच अपॉन डीटी इक्वल होगा डीएच अपॉन डीवी मल्टीप्लाइड बाय डीवी अपॉन डीटी के। तो डीएच अपॉन डीटी को हम 1/197.9 पुट कर लेंगे, ये हमें गिवन है 2 पाई, तो 0.0317 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमें डी एच अपॉन डी टी का आंसर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.